हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत के वायसराय। आज हम भारत के कुछ वायसराय जो रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और कल की वीडियो में भी हमने वायसराय के बारे में डिस्कस किया, तो जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल की वीडियो में हमने लास्ट वायसराय जो पढ़ा था लॉर्ड नेपियर को पढ़ा था, है ना। लॉर्ड नेपियर के बारे में डिस्कस किया था, जो कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो अगला वायसराय बना वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तीन मई 1872 ईस्वी में इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। 3 मई 1872 ईस्वी में नॉर्थब्रुक को वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। और 12 अप्रैल 1876 तक 12 अप्रैल 1876 तक नॉर्थब्रुक ने इस पद पर कार्य किया। कब से कब तक? देखिए, 72 में इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया था और 78 तक इसने इस पद पर कार्य किया था। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इसके पहले भी बंगाल में अकाल पड़ा और नॉर्थब्रुक के समय में भी बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। नॉर्थब्रुक ने मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत करवा दिया था, है ना, और उसे मद्रास भेज दिया गया था। देखिए, इसके द्वारा एक घोषणा की गई, कहा गया कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है। क्या कहा गया इसके द्वारा? इसके द्वारा कहा गया कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना और वैधानिक कार्यवाहियों अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। ऐसा किसने कहा? नॉर्थब्रुक ने कहा। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। किसके समय में हुआ था? नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। इस आंदोलन में यह आंदोलन हुआ क्यों था? तो सिख धर्म, देखिए, इस आंदोलन का उद्देश्य था सिख धर्म में सुधार व उनकी शुद्धता को बनाए रखना। यह आंदोलन सिख धर्म में कुछ सुधारों के लिए और उनकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए किया गया था। देखिए, इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई थी। नॉर्थब्रुक के समय में स्वेज नहर खुल गई थी और इसी के कारण भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई थी, है ना। इन दोनों देशों के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई थी। स्वेज नहर खुल जाने के कारण तो इतने कार्य नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुए थे। इसके बाद अगला वायसराय जो बनाया गया वो लॉर्ड लिटन को बनाया गया। लॉर्ड लिटन, देखिए, अगला वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड लिटन को। इसके पहले लॉर्ड नॉर्थब्रुक को वायसराय बनाया गया था। 3 मई 1872 में बनाया गया था और 12 अप्रैल 1878 तक इसने इस पद पर कार्य किया था। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इसके पहले भी अकाल पड़ा था और बंगाल में जो काल पड़ा था वह किसके समय में पड़ा था? नॉर्थब्रुक के काल में, है ना। इसके समय में पंजाब में प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन किस लिए हुआ था? तो यह आंदोलन सिख धर्म में सुधार व उनकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए हुआ था। इसके बाद देखिए, स्वेज नहर के खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन को व्यापार में वृद्धि हुई थी।
भारत और ब्रिटेन में व्यापार में वृद्धि हुई थी, है ना। इसके बाद लॉर्ड लिटन को अगला वायसराय बनाया गया और इसे 12 अप्रैल 1878 में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 8 जून 1880 तक इसने इस पद पर कार्य किया। लिटन का पूरा नाम था रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड। रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड क्या था इसका पूरा नाम? रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड। इसे एक नाम, एक और नाम से जाना जाता था, ओवेन मेरेडिस। लॉर्ड लिटन को, देखिए लॉर्ड लिटन का फुल नाम क्या था? रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड, है ना। और लेकिन इसे एक और नाम से जाना जाता था, ओवेन मेरेडिस नाम से भी इसे जाना जाता था। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था और इसी के कारण इसे ओवेन मेरेडिस के नाम से जाना जाता था। क्या था ये? प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार। साहित्यकार था और इसी के कारण इसे ओवेन मेरेडिस के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा था। देखिए नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, लेकिन लिटन के कार्यकाल में कहां कहां अकाल पड़ा था? बंबई, बंबई, मद्रास, हैदराबाद और हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत। इन पांच जगहों पर भयानक अकाल पड़ा था। किसके काल में? लिटन के काल में, है ना। इसने रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की थी। इसने अकाल आयोग की स्थापना की थी, अकाल आयोग किसकी अध्यक्षता में की थी? रिचर्ड स्टैची। रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में इसने अकाल आयोग की, अकाल आयोग का, अकाल आयोग की गठन की थी, है ना। लिटन के कार्यकाल में ही प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और उसमें एक लिटिल, उसमें एक राज अधिनियम पारित किया गया। कब? 1877 में, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, है ना। इसके काल में ही प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसके साथ ही एक राज अधिनियम पारित किया गया था। यह राज अधिनियम पारित किया कब गया था? 1877 में, 1877 ईस्वी में यह अधिनियम पारित किया गया था और इसके तहत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर
केशर हिंदी की उपाधि से विभूषित किया गया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को केसर ए हिंदी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। देखिए, इसके साथ ही इसने एक मुस्लिम एग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। मुस्लिम प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी की थी, है ना। 1878 में आर्म एक्ट पारित किया गया था। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, या फिर कहें शस्त्र एक्ट, है ना, पारित किया गया था। जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। इस एक्ट के तहत भारतीय अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकते थे, शस्त्र रखने और बेचने से रोका गया। देखिए, इस एक्ट के तहत भारतीय अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकते थे, और ना तो वो शस्त्र को रख सकते थे और ना बेच सकते थे, इस पर रोक लगा दी गई थी, है ना। तो ये एक्ट, इसे शस्त्र एक्ट भी कहा जाता है। इसके काल में ही 1878 में बर्नक्यूलर एक्ट पारित किया गया था। 1878 में बर्नक्यूलर एक्ट पारित किया गया, जिसके कारण कई स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र आदि को विद्रोहात्मक सामग्री के प्रकाशन का आरोप लगाकर उन्हें बंद करवा दिया गया था। इस एक्ट के कारण कई स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों को विद्रोहात्मक सामग्री के प्रकाशन का आरोप लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया था। है ना, इसलिए 1878 में ये एक्ट पारित किया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। देखिए, पहले कितनी थी, 23 वर्ष थी। कॉर्नवालिस के समय में कितनी की गई थी, 23 वर्ष की गई थी, लेकिन इसने सिविल सेवा परीक्षा की आयु 19 वर्ष कर दी थी, है ना। पहले 23 वर्ष थी, फिर इसने 19 वर्ष कर दी। इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुए थे, है ना। इसके बाद अगला गवर्नर किसे बनाया गया, लॉर्ड रिपन को। तो देखिए, लॉर्ड लिटन 12 अप्रैल 1878 ईस्वी में इसे वायसराय बनाया गया, और 8 जून 1880 तक इसने वायसराय के पद पर कार्य किया। इसका फुल नेम रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड है, और इसे ओवेन मेरेडिस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार भी था, और इसी कारण से इसे ओवेन मेरेडिस के नाम से जाना जाता है। इसके शासनकाल में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत पर भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण इसने अकाल आयोग की स्थापना की थी। रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में इसने अकाल आयोग की स्थापना की थी, है ना। इसके शासनकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और जिसमें राज अधिनियम पारित किया गया, कब, 1877 में। और इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसके बाद इसने
मुस्लिम प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। इसी के शासनकाल में मुस्लिम प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। 1878 में आर्म एक्ट पारित किया गया था, और यह एक्ट पारित किया क्यों गया था, ताकि भारतीय अपने पास कोई भी हथियार ना रख सके, उनका कोई भी उपयोग ना कर सके। और देखिए, हथियार ना रखने, शस्त्र को ना रखने और बेचने से रोका गया था इस एक्ट को पारित करके। और 1878 में बर्निक्यूलर एक्ट पारित किया गया था, जिसके तहत इस एक्ट के कारण ही स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र आदि को विद्रोहात्मक सामग्री के प्रकाशन का आरोप लगाकर उनको बंद करवा दिया था, है ना। और इसने सिविल सेवा परीक्षा की आयु को घटाकर कितना कर दिया था, 19 वर्ष। पहले किस कौन वाले इसने कितनी, 23 वर्ष की थी, है ना, और इसके बाद इसने घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे, लॉर्ड लेटन के शासनकाल में किए गए थे। लॉर्ड रिपन, है ना, 8 जून 1880 में से वायस राय के पद पर नियुक्त किया गया, और 13 दिसंबर 1884 तक इसने इस पद पर कार्य किया। देखिए, अगर मैंने कहीं भी वायस राय की जगह पर गवर्नर यूज किया हो, सॉरी, क्योंकि वहां पर गवर्नर नहीं, वायस राय, क्योंकि हम वायस राय के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए सॉरी, वहां गवर्नर की जगह वायस राय है। 8 जून 1880 में से नियुक्त किया गया, और 13 दिसंबर 1884 तक इसने इस पद पर कार्य किया। रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। देखिए, वर्नाक्यूलर एक्ट किसके शासनकाल में लगाया गया था, लॉर्ड लेटन के शासनकाल में लगाया गया था, है ना, समाचार पत्रों पर, और उस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था 1882 में। वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लगाया गया था, 1878 में लगाया गया था, किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। और 1882 में जब 80 में रिपन वायस राय के पद पर नियुक्त किया गया, तो इसने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था, और इसी कारण से इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को इसी कारण से प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, है ना। इस एक्ट के तहत लॉर्ड लिटन ने समाचार पत्रों को बंद करवा दिया था, और इस एक्ट को रिपन ने हटा दिया था 1882 में, इसीलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। रिपन ने सिविल सेवा परीक्षा की प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। सिविल सेवा में प्रवेश की उन्नीस से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 21 वर्ष, है ना। और इसके पहले लॉर्ड लेटन ने, पहले कितनी थी, 23 वर्ष थी, है ना, तो लॉर्ड लेटन ने उसको कम कर दी थी, कितनी कर दी थी, 19 वर्ष कर दी थी, लेकिन लॉर्ड रिपन ने इसको 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था। रिपन के काल में ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। देखिए, रिपन के काल में ही 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी, है ना, प्रथम जनगणना 1881 में करवाई गई थी, और तब से लेकर अब तक प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक प्रत्येक हर 10 वर्ष में ये जनगणना कराई जाती है। देखिए, 1881 में नियमित जनगणना कराई गई थी,
नियमित जनगणना कराई गई थी। किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना की गई थी। पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1872 ईस्वी में। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? रिपन के द्वारा लाया गया था। रिपन के समय में ही 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन हुआ था। रिपन के शासनकाल में ही 1882 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में कौन से आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन किया गया था। मैं इसलिए इतने डिटेल से पढ़ाती हूँ और बोर्ड पर लिखती हूँ ताकि आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकें। हंटर आयोग का गठन हुआ था। 1882 में स्थानीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1882 में ही स्थानीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, है ना। इसके बाद 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बेल विवाद, देखिए 1883 में एल्बर्ट बिल पारित हुआ था। और एल्बर्ट बेल विवाद रिपन के समय में ही पारित हुआ था। एल्बर्ट बिल पारित हुआ था। इस बिल में क्या हुआ था कि भारतीयों को भी यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार दे दिया गया था। देखिए एल्बर्ट 1883 में जो एल्बर्ट बिल पारित हुआ था रिपन के शासनकाल में, इस बिल में भारतीयों को भी यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन यूरोपियों के प्रबल विरोध के कारण, देखिए भारतीयों को जज बनने का अधिकार तो दे दिया गया था लेकिन यूरोपियों ने इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध किया, जिसके कारण इस बिल को वापस ले लिया गया था। और इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया, है ना। इस बिल के कारण जो विद्रोह हुआ था, उसे किस नाम से जाना गया? श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। एल्बर्ट बिल के कारण जो विरोध हुआ था उसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। क्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। देखिए क्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? क्लोरेंस नाइटिंगेल ने, है ना। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए? रिपन के शासनकाल में हुए थे। लॉर्ड रिपन 8 जून 1880 में से वायसराय बनाया गया और 13 दिसंबर 1884 तक इसने इस पद पर कार्य किया। इसने, देखिए जब यह वायसराय बना था 1882 में, सबसे पहले इसने बर्निक्यूलर प्रेस एक्ट को बंद कर दिया, है ना, और इसीलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और इसने सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी उसमें प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। इसके पहले लॉर्ड लिटन ने इसको घटा दिया, तो 19 वर्ष कर दी थी और इसके बाद इसे 21 वर्ष लॉर्ड रिपन ने की।
है ना। इसके बाद 1881 में नियमित रूप से जनगणना की गई थी और 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी। और इसके बाद जो 1881 में नियमित जनगणना की गई थी उस टाइम से लेकर अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक प्रत्येक 10 साल में ये जनगणना की जाती है ना, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से ये जनगणना की जाती है। इसके बाद 1881 में इसने प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया। इसके बाद 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया है ना। और इसके बाद 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसने हंटर आयोग का गठन किया। 1882 में स्थानीय शासन प्रणाली की शुरुआत की थी और इसी के शासनकाल में 1883 में एल्बर्ट बिल पारित हुआ था, जिस बिल के तहत भारतीयों को भी यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन इससे यूरोपियों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण इसको वापस लेना पड़ा और इस जो अंग्रेजों ने विद्रोह किया उस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। अंग्रेजों द्वारा जो विद्रोह किया गया इस बिल के कारण उसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया है ना। और इसके बाद क्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपिन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। तो इतना कार्य किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की बहस राय हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।